नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में किस तरह अजीब अजीब तरह की नौकरियां होती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट या अन्य इसी तरह की नौकरी में लगना, ये भारतीय लोगों का आम सपना हो सकता है। लेकिन आपने कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में कभी सुना है क्या जो अतरंगी और हैरान कर देने वाली है? भारतीयों को तो निश्चित ही ये नौकरियां आश्चर्य में डाल सकती है और मनोरंजक भी लग सकती है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरह की नौकरियां कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए लोग। धक्का देना। जापान में लोगों को समय पर काम पर पहुंचना बेहद जरूरी होता है, इसलिए वहाँ सबवे में काफी भीड़ रहती है। यहाँ कुछ लोग होते हैं जो ट्रेन आते ही लोगों को अंदर ठूसते हैं। वे अधिक से अधिक लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर भेजते हैं ताकि वे समय पर काम पर पहुंच सके। नींद लेना। ये नौकरी सपने से ही लगती है। नींद लेने के लिए भी पैसे मिलने लगे तो इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिक पेशेवर तौर पर सोने वालों को हायर करते हैं ताकि वैज्ञानिक नींद संबंधित बीमारियों पर शोध कर सके। मेहमान बनना। भारतीय शादियों में तो बिन बुलाए मेहमान तक पहुंच जाते हैं, तो किराए पर मेहमान लाने की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जापान में शादी में मेहमान बनकर शामिल होने के लिए पैसे मिलते हैं और खाना भी। कुछ लोग पार्ट टाइम में ये काम भी करते हैं और मेहमान बनकर पार्टियों का मजा उठाते हैं। बगले सूंघना। किसी के शरीर को सूंघना बेहद ही अजीब किस्म की नौकरी है, लेकिन पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर ये काम रोजाना करते हैं। उन्हें बस ये जांचना होता है कि डिओ अपना असर दिखा रहा है या नहीं। बस ये काम करने के लिए उन्हें लोगों की बगले सूंघनी होती है। इसी तरह की और भी अजीबोगरीब नौकरियां विदेशी लोग करते हैं जो किसी के लिए मनोरंजक हो सकती है तो कभी हैरान कर देने वाली है।